सीएम के बयान पर कांग्रेसी भड़क गए। तभी आज शहर के सभी वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने परेड चौराहे पर सीएम का पुतला दहन करने के लिए एकजुट हुए, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहले से ही शहर कोतवाली प्रभारी का अमला व देहात कोतवाली का अमला के साथ थाना प्रभारी के साथ फायर ब्रिगेड खड़ी हो गई। कांग्रेसी जैसे ही परेड चौराहे पर एकजुट होने शुरू हो गए, पुलिस ने परेड चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया। कांग्रेसी पुलिस को चकमा देकर पुतला दहन करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने परेड चौराहे को चारों तरफ से अपनी कस्टडी में ले रखा था। जैसे ही कांग्रेसियों ने पुतला को फोर व्हीलर वाहन से बाहर निकाला तो पुलिस ने तत्काल उसको छीन लिया। तभी कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी पुलिस को पुतले को छीनने का प्रयास किया गया। इधर फायर ब्रिगेड की बौछार रूपी तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने उक्त पुतले में आग नहीं लगने दी और कांग्रेसियों से उक्त पुतला छीन लिया गया। देखिए, फायर ब्रिगेड से तेज बौछार रूपी बारिश होती हुई कांग्रेसी पदाधिकारी तितर बितर हो गए। तेज बारिश के साथ पुतला हुआ लापता। फायर ब्रिगेड से तेज बौछार के साथ पुलिस और कांग्रेसी पदाधिकारी एक दूसरे से पुतला छीनते हुए, लेकिन पुलिस आखिर सफल हो गई कांग्रेसियों से पुतला छीनने में। देखिए इस खास रिपोर्ट को। सीएम के बयान पर आज जिले के सभी कांग्रेसी परेड चौराहे पर सीएम का पुतला दहन करने के लिए एकजुट हुए थे, लेकिन पुलिस ने उक्त पुतले को नहीं जलने दिया और कांग्रेसियों से छीन लिया। चोरी छिपे उक्त